हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो ओरा स्कैनर के वर्कशॉप पे है। आज हम इस ओरा स्कैनर के माध्यम से उन व्यूवर्स के लिए एक ये कंसेप्ट लेके आए हैं कि आप अगर किसी भी ओरा स्कैनर एक्सपर्ट के पास जाते हो या खुद जो व्यूवर्स जो हमारे ओरा स्कैनर एक्सपर्ट है जो एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी के लिए कौन सी चीज़ कितने सूटेबल है, वो चीज़ कौन सी उसको फ़ायदेमंद रहेगी, उससे उसको क्या लॉस जाएगा, क्या प्रॉफिट जाएगा, ऐसी एक एनालिसिस है जो आज हम आपको करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो है थोड़ी लंबी बनेगी, अंत तक इसको खास देखना क्योंकि ये उन व्यूवर्स के लिए है जो अपनी लाइफ के अंदर अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं मेरे जीवन के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदूँ, कुछ भी कार खरीदूँ, बाइक खरीदूँ, मकान खरीदूँ या ज्वेलरी खरीदूँ या कुछ भी ऐसा चीज़ खरीदूँ जो मेरे जीवन के अंदर सौभाग्य लाए और दुगनी प्रगति कराए। यानी हर कोई ऐसा पॉजिटिव थॉट लेके कोई भी चीज़ परचेस करता है तो उसको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। एक तो एक वो मुहूर्त भी निकाल के खरीदी कर सकता है या किसी जन्माक्षर के हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजिकर के पास जाके अपनी कुंडली के हिसाब से कौन सा कलर, कौन सी कंपनी, ऐसा भी कुछ खरीदी कर सकता है। दूसरा, हमारे पास जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ओरा स्कैनर, ये ओरा स्कैनर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्कैन करता है। यानी कोई भी बंदा होता है उसके अगर जो जीवित पर्सन है यानी जीवित जो लाइव एनर्जी है वहाँ पे हमें बायो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है और जो कोई प्रोडक्ट है, जो सब्जेक्ट है वहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है। तो स्कैनर क्या करेगा, बायो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक को स्कैन करेगा और कौन सी फील्ड की एनर्जी किस फील्ड को किसको सूटेबल है, किसको मैच मेकिंग हो रही है उसकी एक रिपोर्ट कहेगा। तो स्कैनर के पास रिपोर्ट देने का माध्यम एक है कि स्कैनर जितना परसेंटेज खुलता है यानी वो 0 डिग्री पे पहले मूवमेंट करता है, फिर अपने आप धीरे धीरे खुलता है, जो आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत कुछ देख रखा होगा। तो वो जितना परसेंटेज खुलता है वहाँ पे जाके उसकी एनर्जी उतनी परसेंटेज पॉजिटिव गिनी जाती है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे हमें आइडेंटिटी भी छिपानी पड़ती है क्योंकि हमारा ये रूल्स है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते, प्लस हम किस सब्जेक्ट को किस व्यक्ति के साथ सब्जेक्ट कंपनी कुछ भी हम यहाँ पे नहीं कह सकेंगे आपको। हम यहाँ पे खाली ए बी सी ऐसा एक डिवीज़न देंगे और उससे हम आपको बता सकेंगे कि ये प्रोडक्ट ये इंसान के लिए कितनी सूटेबल है। फ्रेंड्स, अब हम हमारी स्कैनिंग चालू कर रहे हैं और आप अगर आपके पास स्कैनिंग स्कैनर है तो आप खास ये वीडियो देखना क्योंकि मेरी हर वीडियो उनके लिए मैं खास बनाता हूँ जिनके पास ऑलरेडी ओरा स्कैनर है और उसकी वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर अगर कुछ और इसमें हमें पता चले तो हमारे बिजनेस को हम ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का कारक है। ऐसे आपको बिजनेस में, आपकी वास्तु कंसल्टेंसी में सफलता प्राप्त नहीं होगी। रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ स्टडी करनी पड़ेगी, रोज़ यूज टू होना पड़ेगा स्कैनर के साथ, जिससे आप अच्छी से अच्छी एक परफॉर्मेंस दे सकोगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो करने जाते हैं इसमें हम पॉजिटिव का सैंपल लेते हैं। सपोज़ कि आप कोई भी चीज़ की कंपैरेटिव टेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ की मैच मेकिंग करते हो, कोई चीज़ एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कितना कंपैरेटिव है और कहाँ पे उसको बिजनेस किसके साथ करना है, तो आप पे पॉजिटिविटी का ही सैंपल लेते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी की पॉजिटिविटी रिपोर्ट निकालनी होती है। अब ये स्कैनर को हम ऑन करेंगे, ये स्कैनर ऑन हो गया। अभी यहाँ पे एक कंपनी की कार है और इस बंदे को ये कार यानी इस जातक को ये कार कितनी सूटेबल है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हम स्कैनिंग करेंगे, एक कंपनी की कार इस बंदी के लिए इस जातक के लिए कितनी सूटेबल है स्कैन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे 100% सूटेबल आ रही है। तो आप देखते होंगे कि हमारी मास केबल जो है ये हमारे स्कैनर के साथ अटैच है, एक जातक के ऊपर मास केबल रखी हुई है हमने और दूसरी मास हमने हमारी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर रखी हुई है। यानी ये दोनों चीज़ मेरे साथ कनेक्टेड है और ये सब्जेक्ट भी कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे क्योंकि जातक हमारा एक ही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। फिर से एक बार इस जातक के लिए इस कंपनी की कार सूटेबल है, ये देखिए ये 100% यहाँ पे सूटेबल दिख रही है, यानी ये कलर की और ये कंपनी दोनों इसके लिए सूटेबल है। अब हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दूसरा सब्जेक्ट रखा है। अब वापस हम स्कैनिंग करेंगे, इस जातक के लिए ये कंपनी की कार कितनी सूटेबल है, तो ये देखिए यहाँ पे ये स्केल बन के आ रहा है 80% सूटेबल है। जो पहले आता था 100% 180 डिग्री सूटेबल आता था, 100% सूटेबल आता था, यहाँ पे ये 80% सूटेबल आ रहा है। यानी 50% के ऊपर अगर कोई भी सब्जेक्ट सूटेबल आता है तो वो चीज़ हम परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे,
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वापस सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, जातक हमारे वही रहेंगे, क्योंकि उस जातक का ये सवाल है कि इस जातक को कौन सी कंपनी की कार परचेज करनी है जो इसके लिए सूटेबल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी और लक्की रहेगी। अब इस जातक के लिए इस कंपनी की कार कितनी सूटेबल है, स्कैन कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए, तो ये खाली 20% ही खुल रहा है, ओपन हो रहा है, यानी ये इनके लिए 50 के नीचे है, यानी 50% से नीचे का स्केल आ रहा है, यानी ये इनके लिए सूटेबल नहीं है। इनके लिए पिछले जो दो सब्जेक्ट थे, एक 100% था और दूसरा 80% था, उनमें से उनको सूटेबल करना है। अब वापस हम इनको कहेंगे कि इस जातक के लिए ये कंपनी की कार कितनी सूटेबल है। तो अब ये देखिए, स्कैनिंग होने के बाद रिपोर्ट वही आ रही है 20%, यानी कहने का मतलब है कि ये जातक अगर वो दो सब्जेक्ट में से एक कार पसंद करेंगे या दोनों कार भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जातक है उसके लिए चॉइस तो हमें देनी थी, पर यहाँ पे उनकी खुश नसीबी है कि उनके लिए दोनों चॉइस निकल के आई है कि उनको एक कंपनी है एंड कंपनी बी, तो ए बी में से कोई भी एक कार लेनी हो तो 100% वाली भी है और 80% वाली है, वो अब उनको डिसाइड करना है। पर उन दोनों में से अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पे एक और दूसरा इस तरह से स्कैनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट को उल्टा रखेंगे और उसकी स्कैनिंग देखेंगे कि ये कितना उनको सूटेबल आता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो उनको 100% आ रहा था, 80% आ रहा था, दोनों सब्जेक्ट को हम लेके इस जातक के साथ कंपैरिटी कर रहे हैं कि उनके लिए ज़्यादा बेटर कौन सा है, क्योंकि 100 भी बेटर है और 80% भी बेटर है, कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना काउंटिंग का इतना डिफरेंस नहीं है कि हम एक तुरंत सोच ले के ये कार लेंगे। अभी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को उल्टा रखा हुआ है तो भी हम स्कैनिंग कर रहे हैं इस जातक के लिए ये कंपनी की कार सूटेबल है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 100% निकल के आ रहा है, 100% ये इनके लिए सूटेबल है, यानी ये सब्जेक्ट इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर ये अपने ग्रोथ के लिए लक्की समझ के ये कार परचेस कर रहे हैं और जो हमारा सलाह मशवरा मानना है, ये व्यूअर्स ने हमें जो हमें ये सब्जेक्ट के लिए हमें जो चॉइस दी है कि आप इनमें से हमें सजेस्ट की है, तो उनके लिए ये कार 100% सूटेबल है, कलर भी सूटेबल है एंड कार भी सूटेबल है। सब्जेक्ट अब दूसरा हम देख रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति है। अब ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि ये स्कैनिंग हमारे माइंड से तो नहीं हो रही ना, ये भी यहाँ हम डिफाइन करना चाहते हैं और आपको स्कैनर का इम्पोर्टेंस ही दिखाना चाहते हैं, ये कितना पर्टिकुलर है, कितना एक्यूरेसी वाला है और कितना एक्यूरेट है, ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट को हम पूछेंगे इस जातक के लिए ये कंपनी की कार कितनी सूटेबल है। तो आप ये देखेंगे, ये वही 80% का स्केल निकल के आ रहा है जो ऑलरेडी हमने पहले स्कैनिंग की थी। ये देखिए, ये सब्जेक्ट अब वापस हम इस सब्जेक्ट को सीधा कर रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट पे हम ये स्कैनिंग कर रहे हैं इस जातक के लिए ये कंपनी की कार कितनी सूटेबल है। अब ये भी 80% आ रहा है। अब सब्जेक्ट हम वो कंफर्म कर रहे हैं कि उनके लिए ए जो हमारा कोडवर्ड था वो ए कंपनी की कार उनके लिए सूटेबल है। अब हम उसमें कलर की भी थेरापी थोड़ी देख लेते हैं कि कौन सा कलर उनको सूटेबल है। अब ये जातक कंपनी ए में रेड कलर की कार पसंद करेंगे तो कितनी सूटेबल है। येलो कलर, ये देखिए, ये येलो कलर इनके लिए 60% के आसपास सूटेबल है। और रेड कलर 30% के आसपास सूटेबल है। ग्रीन कलर 70% के आसपास सूटेबल है। अब ब्लैक कलर 100% सूटेबल आ रहा है। इस तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हो। हर बार आप स्कैनर को नीचे भी रख सकते हो, ग्राउंड टू अर्थ करके इसको फिर स्कैन। इस जातक के लिए रेड कलर, इस कंपनी की रेड कलर की कार कितनी सूटेबल है। तो ये रेड कलर इनके लिए जो निकल के आया था वही स्केल आ रहा है। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि ग्रीन कलर, इस जातक के लिए ये कंपनी की कार ग्रीन कलर में कितनी सूटेबल है। तो ये उनका जो 70% निकल के आ रहा है। और अगर हम ब्लैक कलर का स्कैनिंग करेंगे इस जातक के लिए, इस ये कंपनी की कार, कंपनी ए कंपनी की कार ब्लैक कलर में हो तो कितनी सूटेबल है।
तो ये देखिए, ये 100%, यानी कहने का भाव अर्थ है कि यहाँ पे हम दूसरा भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कलर स्कीम रख के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्कैनर किट है उसके अंदर 300 प्लस सैंपल्स में हम कलर के भी सैंपल्स देते हैं। पर्टिकुलर मैं कलर के वाइज भी आपको दिखा सकता था, पर मैंने आपको ये करके दिखाया है, ये थोड़ा शॉर्ट और इमीजिएटली आप उसको कह सकते हो। फिर उसको आप कॉमन कर, उसको आप क्रॉस चेक कर लो कि ब्लैक, जैसे ये सब्जेक्ट पड़ा है यहाँ जातक पे, ये अपना मास्केबल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो कलर की जो स्कीम रखोगे उस कलर से उसको, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर, अब देखिए ये ऑरेंज कलर के हम सैंपल्स रख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जातक के लिए, इस जातक के लिए अगर ऑरेंज कलर की कार हम इस कंपनी में पसंद करते हैं तो कितना सुटेबल है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने है, ये आपको 50% 60% के आसपास सूटेबल आ रही है। अब यहाँ पे हम ब्लैक कलर रख के भी इसका क्लियर कर सकते हैं कि इस जातक के लिए ये ब्लैक कलर, या यहाँ पर हम ये ब्लू कलर का एक ले सकते हैं, ये ब्लू कलर के हमारे जो सैंपल्स हैं, तो ये ब्लू कलर के सैंपल इस मास्क केबल पे रख के हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। इस जातक के लिए ये कंपनी की जो कार है वो ब्लू कलर में अगर हम चॉइस करते हैं तो कितनी सूटेबल है, तो ब्लू कलर इनको मनाही कर रहा है, यानी इनको ब्लैक के शेड में ही जाना है तो ही इनको ये प्रॉफिट, ये सूटेबल रहेगी। इस तरह से अगर आप व्यूअर्स अपनी भी कुछ ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हो जिसके लिए आप हमारी सहायता करने चाहते हो, तो ये हमारा एकदम निःशुल्क है, हम आपकी प्रोग्रेस के लिए एक बार हम ये फ्री आपको चेकिंग करके देंगे। इस व्हाट्सअप पे आप अपनी चॉइस भेज देना, फोटो भेज देना, पर्टिकुलर आपकी स्कैनिंग करके हम आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आप परचेस कर सकते हो। बाकी आप इस पे एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड रहे, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी अपनी कोई एक अच्छी चॉइस ले सकते हो। और फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स है जो खास ओरा स्कैनर की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो तुरंत मुझे कॉल करें, कन्फ्यूज़न क्लियर करें। क्योंकि क्या होता है कि हम जब दो एक्सपर्ट मिलते हैं, यानी एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, दो एक फील्ड के दो इंसान मिलते हैं, तो अपने जो आचार विचार आप ले करते तो उससे कुछ अच्छा मंथन निकल के दोनों को सीखना मिलता है। मैं अकेला कुछ जानता हूँ ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप भी बहुत कुछ जानते हो। आपके विचार अगर मैं समझ सकूंगा तो मेरे को 100% मेरे बिजनेस के अंदर वो विचार को मैं लेके आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि कहाँ से कैसे क्या सीखना मिलता है वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो सब लर्निंग बिजनेस है। कोई कह सकता है मैं मेरे बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, हर मोमेंट हर सेकंड अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको लर्निंग की जरूरत है। जितना अच्छा लर्निंग करोगे उतनी अच्छी सक्सेस प्राप्त करोगे, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, पर हार्ड वर्क भी कहाँ पे यूज़ आएगा अगर आप अच्छी लर्निंग कर रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, किसी का सलाह मशवरा मान रहे हो, तो 100% बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।